मैं बहुत आत्मीयता के साथ बड़े भाई इरफान सागर साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया पधारें और अपने जो माणिक्य मुक्तक हैं, अपनी जो बहुत बहुत शीर्ष रचनाएं हैं, वे हमारे समक्ष रखने की कृपा करें। पूरी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ अपने बड़े भाई गोस्वामी जी को, देवेंद्र गोस्वामी जी को, जिनकी किताब का आज रस्म इजरा है, जिनका किताब का आज विमोचन है। ये चार पंक्तियाँ मैंने इनकी शान में कही हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको कबूल करें कि तुम्हारी फिक्र ने जब भी कलम उठाया है, तुम्हारी फिक्र ने जब भी कलम उठाया है, हकीकतों का हर एक आईना सजाया है। तुम्हारी फिक्र ने जब भी कलम उठाया है, हकीकतों का हर एक आईना सजाया है। और देवेंद्र आपने हर पल अदब के साए में, देवेंद्र आपने हर पल अदब के साए में दिलो दिमाग को खुशबू से फिर बसाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिलो दिमाग को खुशबू से फिर बसाया है। तो एक मतला और दो शेर पढ़ना चाहता हूँ। पहला शेर जो होता है वो मतला कहलाता है और दूसरे जो है वो दो शेर कहलाते हैं कि गम इतने दिए हैं कि दिखा भी नहीं सकता, गम इतने दिए हैं कि दिखा भी नहीं सकता, अफसोस के मैं तुमको बता भी नहीं सकता। गम इतने दिए हैं कि दिखा भी नहीं सकता, अंकुर, अफसोस के मैं तुमको बता भी नहीं सकता। और खामोश परिंदे हैं मेरे सामने लेकिन, खामोश परिंदे हैं मेरे सामने लेकिन, मजबूर हूं मैं इनको उड़ा भी नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मजबूर परिंदे हैं मेरे सामने लेकिन, मजबूर हूं मैं उनको उड़ा भी नहीं सकता। और इसका आखिरी शेर है कि बेरंग हुए जाते हैं दुनिया के ये मंजर, बेरंग हुए जाते हैं दुनिया के ये मंजर, अब इनको उदासी में सजा भी नहीं सकता, अब इनको उदासी में सजा भी नहीं सकता। और एक अपने जो मेरी एक आदत है कि मैं अक्सर कवि सम्मेलन मुशायरों में के वतन की मोहब्बत में कुछ शेर ज़रूर कहता हूँ, वो पढ़ता भी हूँ मैं। अभी संजय पांडे ने अपने यहाँ एक कार्यक्रम किया था, उसमें हमारे अविनाश जी भी थे। तो ये चार पंक्तियाँ और हैं कि मोहब्बतों का हर एक इम्तहान रखता हूँ, मोहब्बतों का हर एक इम्तहान रखता हूँ, और वतन के जज्बे को दिल में महान रखता हूँ, वतन के जज्बे को दिल में महान रखता हूँ। और हमारे मुल्क की जानिब तू बद नज़र ना उठा, हमारे मुल्क की जानिब तू बद नज़र ना उठा, हमारे मुल्क की जानिब तू बद नज़र ना उठा, मैं अपने हाथों में तीरो कमान रखता हूँ, मैं अपने हाथों में तीरो कमान रखता हूँ। शुक्रिया। और इसी से मुतालिक एक मतला और दो शेर और पढ़ना चाहता हूँ, और ये भी इसी सिलसिले से, इसी कड़ी से जुड़ा हुआ है कि सदाकतों का सफ़र हम नज़र में रखते हैं। सदाकत कहते हैं सच्चाई को, सदाकत का मतलब सच्चाई, कि सदाकतों का सफ़र हम नज़र में रखते हैं, वतन की खाक हर एक रह गुज़र में रखते हैं, हर रह गुज़र का मतलब रास्ते में। सदाकतों का सफ़र हम नज़र में रखते हैं और वतन की खाक हर एक रह गुज़र में रखते हैं, और नज़र उठाई अगर दुश्मनों ने इस जानिब, नज़र उठाई अगर दुश्मनों ने इस जानिब, जुनून देश का हम अपने सर में रखते हैं, जुनून देश का हम अपने सर में रखते हैं। और ये आखिरी इसका शेर कि ये देश राम का, ख्वाजा का, कृष्ण राधा का, ये देश राम का, ये देश राम का, ख्वाजा का, कृष्ण राधा का, हम इनके दर्श को सागर नज़र में रखते हैं। दर्श मतलब इनका पैगाम, संदेश। ये देश राम का, ख्वाजा का, कृष्ण राधा का, हम उनके दर्श को सागर नज़र में रखते हैं। अब ये एक चार मिसरे और आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि बदलना चेहरे का तुझको हुनर नहीं आता, बदलना चेहरे का, बदलना, मैं अभी आप जी की तरफ नज़र करता हूँ, ये शेर प्रणव जी की तरफ तो नहीं करूँगा, पता नहीं क्या कह देंगे और डर लगता है संचालक महोदय से, कि बदलना चेहरे का तुझको हुनर नहीं आता, तू मेरा है तो मेरा क्यों नज़र नहीं आता। बदलना चेहरे का तुझको हुनर नहीं आता, तू मेरा है तो मेरा क्यों नज़र नहीं आता। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया के साथ भी रह लूँ, मैं चाहता हूँ
कि दुनिया के साथ भी रह लूं, मगर तू है कि कभी मुख्तसर नहीं आता, मगर तू है कि कभी मुख्तसर नहीं आता, मगर तू है कि कभी मुख्तसर नहीं आता। समाप्त करिएगा चार पंक्तियां, कि लपर हो जब भी प्यास समंदर भी साथ हो, लपर हो जब भी प्यास समंदर भी साथ हो, तू हम सफर हो प्यार का लश्कर भी साथ हो, तू हम सफर हो प्यार का लश्कर भी साथ हो। और प्रणव जी ये आपकी नज़र कर देता हूँ, छोटा सा शेर है, हो हम सफर तो प्यार का लश्कर भी साथ हो, ये मशवरा है दोस्तों करना यही दुआ, ये मशवरा है दोस्तों करना यही दुआ, जब इश्क हो किसी से मुकद्दर भी साथ हो। ये मशवरा है दोस्तों करना यही दुआ, जब इश्क हो किसी से मुकद्दर भी साथ हो, जब इश्क हो किसी से मुकद्दर। धार्मिक शेर को दोबारा पढ़ो। लपर हो जब भी प्यास समंदर भी साथ हो, तू हम सफर हो प्यार का लश्कर भी साथ हो, ये मशवरा है दोस्तों करना यही दुआ, जब इश्क हो किसी से मुकद्दर भी साथ हो, जब इश्क हो किसी से मुकद्दर भी साथ हो। और ये आखिरी में एक शेर पढ़ देता हूँ, चार पंक्तियाँ हैं, कि उसने आँखों में बसा कर मसला रहने दिया, उसने आँखों में बसा कर, अविनाश जी, उसने आँखों में बसा कर मसला रहने दिया, सोचता हूँ क्यों मुझे खुद से जुदा रहने दिया, सोचता हूँ क्यों मुझे खुद से जुदा रहने दिया। और मैं इस शेर पर दाद चाहूँगा, सोचता हूँ क्यों मुझे खुद से जुदा रहने दिया, और ज़िंदगी से रूबरू जिस मोड़ पर भी हम मिले, ज़िंदगी से रूबरू जिस मोड़ पर भी हम मिले, उसके शिकवे सुन लिए अपना गिला रहने दिया। ज़िंदगी से रूबरू जिस मोड़ पर भी हम मिले, उसके शिकवे सुन लिए अपना गिला रहने दिया, उसके शिकवे सुन लिए अपना गिला। बहुत बहुत शुक्रिया।